दुआए ज़हूर हुजत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुजत इब्नुल हसन अलैहिस्सलात वस्सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल साअत मिन साअत लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़ुम व क़ायदुम व नासिरुम व दलीलुम व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तमन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद दरूद सारे बुलंद आवाज़ पढ़ो। चौकी लंबी चौड़ी ड्यूटी नहीं, जितना मैंने टाइम मिले मैं अपने टाइम के अंदर ही इंशाल्लाह ड्यूटी नूं पाया तक मेरे तक ही ले लेना। इजाजत है सरकार? लो जी सलावात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। एक जने साहब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات لو جی نوکری پسند آئی ہے سرکار میرا دل چاہندا جو ایک شعر قصیدے دا تے ایک بند تے ڈیوٹی مکمل ہوئے اجازت ہے سرکار قصیدہ امام حسین بادشاہ دی عظمت دا بلند آواز نال صلوات پڑھو تے میں جناب نو قصیدہ سناؤں سارے دل وچ الحمد کے یقین میں توجہ کرنا لفظ انتہائی قیمتی لفظ ہی ہوندے نذاکر کو ذاکر دا اور کمال نہیں ہوندا الحمد کے یقین میں اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھنا تسی سوا لاکھ بیٹھے ہو سامنے الحمد کے یقین میں پھر سنو الحمد کے یقین میں سلوات سارے بلند آواز میں پڑھو نظر اللہ نیاز حسین توجہ کرنا الحمد کے یقین میں حرف الہ حسین ہے سبحان اللہ اے حد شاللہ آباد و شاد رہنے اے حد کسی کمی نے تو محتاج رہا ہوں الحمد کے یقین میں حرف الہ حسین ہے الحمد کے یقین میں حرف الہ حسین ہے جس کی زمین عرش ہے وہ بادشاہ حسین شاباش اچھا علی لال کلندر آباد و شاد رہو معاشر دا میدان یزیدی پریشان حیران ہو کے ایک پاس والے ویکیا دن جائیے تو جائیے کہڑے پاس تخت ویکیا مسنت ویکیا محشر میں کچھ یزید یہ سوچیں گے جائیں کس طرح محشر میں کچھ یزید یہ سوچیں گے جائیں کس طرف مسند تو کبریا کی ہے بیٹھا ہوا حسین زندہ باد شاباش زندگی دراز ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے آخری شعر اس قصیدے دا حاصل دل شعر محشر میں کچھ یزید یہ سوچیں گے جائیں کس
तरफ मसनद तो किबरिया की है, बैठा हुआ हुसैन। क्या बात, जिंदगी जिंदगी दराज हो, अदादारा की खैर हो। अपना ही चेहरा नोच कर बेनस्ल शिम्र ने कहा, मारा तो करबला में था, अब हर जगह हुसैन। अच्छा वाली लाल कलंदर, अब तो हर जगह मेरा हुसैन है, जहाँ भी कोई मौला का मानने वाला है उसके दिल में हुसैन है। नाम हुसैन की जिसे पहचान नहीं है, सच पूछिए तो मुसलमान नहीं है। और हमसे क्या पूछते हो फजीलत हुसैन की, क्या तुम्हारे घर में कुरान नहीं है? कुरान से पूछो हुसैन क्या है। हुसैन आका भी हैं, हुसैन मौला भी हैं, हुसैन पेशवा भी हैं, हुसैन मजलूम करबला भी हैं। मौला जिक्र का सदका सबको मौला हुसैन करबला की जवारी नसीब फरमाए। मजलिस में बैठ के दुआ मांगा करें रिज़्क के लिए, सेहत के लिए, औलाद के लिए, क्योंकि जिनकी महफिल हो वो महफिल में ज़रूर आते हैं। ये आम जगह नहीं है, हमारी आँखों में पड़ गया, पता नहीं कौन कहाँ बैठा हुआ है। मेरे इमाम ज़रूर आते हैं मजलिस में, इस इमाम के नाम से इमाम बारगाह मंसूब है, इमाम बारगाह बैतुल हुज़न सजा दिया। और ये मौजज़ाती तबूत है जो मौला का आप तबूत देख रहे हैं, जो मौजज़ा हुआ था चंद साल पहले कायनात ने देखा, वीडियो पे चली नेट के ऊपर, राफिया कलोनी का ये मौजज़ा जो इमाम के तबूत में ज़ाहिर हुआ। या मौला ज़ैनुल आबिदीन, मौला इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, मौला इनकी दुआओं को कबूल फरमाएं और इन्हें अपने बाबा की रोज़े की ज़िवारी नसीब फरमाएं। मैं तुमसे हूँ से चंद मिले के लिए ज़ाकिर अहले बैत, ज़ाकिर नादे अली भाई से, इनके बाद जनाब ज़ाकिर सफदरबाद चंद मिनट के लिए, उनके बाद जनाब ज़मान हैदर कादमी, उनके बाद जनाब ज़ाकिर फवाद जाफरी, जवाद जाफरी साहब, बाबा से बुलंद सलावा।